विलय जिस समय विलय प्राप्त करते हुए मार्च और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है, राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है, आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है। इससे हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मध्य प्रदेश की धरती से जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं और आज भी ये संविधान हमारा मार्गदर्शनी जीवंत दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली है, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, रानी झांसी की रानी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राष्ट्रपति के रूप में स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी हो, और जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस लोकतांत्रिक को एक दिशा दी, लोकतंत्र को एक दिशा दी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी धरती से आते हैं। तो ये धरती की एक बड़ी महिमा गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपराएं, और आप सबको सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधानसभा के सदस्य हैं। और गौरवशाली विधानसभा के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि आप विधायक के रूप में जहां जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं तो पूरी करेंगे सही, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनाएंगे। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रमुख संस्था होती है और इस नाते राज्य का लोकतांत्रिक संस्थाओं का सर्वोच्च सदन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य के विकास के लिए और राज्य की जनता की आकांक्षाओं के लिए इस विधानमंडल में चर्चा करें और किस तरीके से चर्चा संवाद के साथ हम प्रदेश के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव कर सकते हैं। जब हम लोकतंत्र के इतिहास को देखते हैं तो लोकतंत्र हमारे विचारों में, हमारी कार्यशैली में है। लोकतंत्र हमारे आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ऋग्वेद से लेकर कितने ही समय तक हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन भी किया, अच्छी परंपराएं डाली और लोकतंत्र के माध्यम से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत रखा और इसीलिए लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य और लोकतंत्र हमारे विचारों में, अभिव्यक्ति में, कार्य प्रणाली में
हम आजादी के आंदोलन को भी देखें तो भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आजादी का आंदोलन लड़ा। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि आजादी का आंदोलन हम जन आंदोलन के माध्यम से आजादी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जन आंदोलन के आधार पर हमने आजादी प्राप्त की। जब इतिहास और विरासत लिखी जाती है तो इस जन आंदोलन के कारण आजादी का नया इतिहास आया। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कुर्बानियां नहीं दी, बलिदान नहीं दिए, वो देश भी आजाद हुए। लेकिन हमारे जो जन आंदोलन था उस जन आंदोलन से दुनिया ने प्रेरणा ली और आज भी 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हमने जो कुछ भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन किया इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किया, चर्चा संवाद विचार विमर्श से किया, सहमति असहमति से किया। और इसीलिए हम दुनिया में कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतांत्रिक देश हमारी परंपरा परपाटी विचारों में तो है नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना ये भी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी P20 में आए और उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए आश्चर्यचकित हुए, इंग्लिश में 900 मिलियन बोलते हैं, अपन 90 करोड़ बोलते हैं, तो 90 करोड़ मतदान की प्रक्रिया करना, निष्पक्ष करना, निर्वाच करना, दूर दराज के गांव तक मतदान कराना, ये दुनिया के देश आश्चर्यचकित करते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं जिसकी आबादी हमसे आधी भी हो लेकिन उसके बाद भी इस 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हमारा चुनाव प्रबंध पारदर्शितापूर्ण रहा, जवाब देगा। और जितने सहज रूप से हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता का हस्तांतरण किया ये भी दुनिया के अंदर अपने आप में आश्चर्यचकित है कि जनता जनादेश देती है और जिसको जनादेश देते हैं सहज रूप से सत्ता का स्थानांतरण होता है। और इसीलिए लोकतंत्र ही प्रक्रिया ही सबसे प्रक्रिया है, ये हमने साबित की। हमारे पास आजादी के बाद कई विकल्प थे लेकिन हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। आज जब हम कभी IPU के सम्मेलन में जाते हैं तो आज ये मानना है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और हमने लोकतंत्र यही नहीं कि हमने केंद्रीय रूप से लोकतंत्र, हमारी पंचायत से लेकर दिल्ली तक संसद तक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनना और उन प्रक्रियाओं से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना यह हमारी लोकतंत्र की ताकत है। और इसलिए जब लोकतंत्र की ताकत हमारी है तो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था विधानसभा है, लोकसभा है। ये विधानसभा लोकसभा कैसे चलने चाहिए ये जिम्मेदारी माननीय विधायकों की है। संस्था की कार्यप्रणाली उसकी सर्वोच्चता है लेकिन उसमें काम करने वाले, उसमें अपने दायित्व को निभाने वाले, उसकी हिस्सेदारी वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे बेहतर परिणाम ला सकते हैं, कैसे हम सामाजिक आर्थिक कल्याण के साथ राजनीतिक परिदृश्य के अंदर एक विकास की नई अवधारणा खड़ा कर हम नैतिक रूप से काम करते हुए एक व्यापक बदलाव अपने अपने राज्यों में ला सकते हैं। और इसीलिए हमारी बार बार चिंताएं रहती है कि विधानसभाओं में जो गरिमा गिरती जा रही, जो शालीनता गिरती जा रही, जिसका जिक्र अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी किया। मुझे याद है 2001 के अंदर जब देश भर के सारे विधानसभा के अध्यक्ष, देश के अंदर सभी राजनीतिक दल के नेता बैठे थे और उस समय एक बात की चिंता की थी कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर
हमारी गरिमा और शालीनता गिरती जा रही, उस विषय पर एक लंबी चर्चा हुई और सभी का मानना था कि सदन के अंदर गरिमा शालीनता बनी रहेगी और गरिमा शालीनता बनी रहेगी, विधानसभा के अंदर अच्छी डिबेट होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा, तो एक बेहतर परिणाम भी आएगा और जो उसमें हिस्सेदारी लेने वाले हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ नेता बनेंगे। और आज चाहे लोकसभा विधानसभा हो, देश और प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिन सदनों से ही नेता बने हैं, इन सदनों के अंदर चर्चा संवाद डिबेट से ही नेता बने हैं। एक विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकता है लेकिन अगर वह राज्य का नेता बनना चाहता है तो उसके लिए विधान मंडल एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वह राज्य की भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सकता है, कानून बना सकते समय सार्थक चर्चा कर सकता है और अपनी डिबेट और चर्चा के अंदर जितनी सार्थक चर्चा करेगा उतना ही वह लीडर प्रदेश का बनेगा। मुझे याद है कि मैं विधानसभा में रहा, लोकसभा में रहा, अभी धीरे धीरे माननीय विधायकों चाहे सांसदों में सदन में भी देखता हूं वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं, अपने क्षेत्र की सीमित बातों पर चर्चा करते हैं, वह कभी पूरे देश की या प्रदेश की चर्चाओं में उनकी रुचि कम हो गई और यह बहुत चिंता का विषय है। जैसा तंवर साहब ने कहा चाहे प्रश्नकाल हो, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न पूछने वाला जितना संक्षिप्त में प्रश्न पूछेगा उतना ही उत्तर मंत्री को देने में परेशानी होगी और जितना लंबा प्रश्न पूछेगा उतना ही मंत्री जी को जवाब देने में आसानी होगी। इसलिए संक्षिप्त में प्रश्न पूछना और संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी को जवाब देना ये सबसे पहले प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ज्यादा लंबा जवाब देता है मंत्री जी उससे भी सप्लीमेंट्री पूछते तो मंत्री जी भी उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए प्रश्नकाल के अंदर जब प्रश्न लगे अगर माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ पूछे तो निश्चित रूप से मंत्री जी भी पूरी तैयारी करके आएंगे और मेरा तो मानना है जितनी ज्यादा विधानसभा के सत्र होंगे उतनी सरकार में पारदर्शिता आएगी और उसका अनुभव भी लाभ मंत्रियों को मिलेगा, क्योंकि जब ब्रीफिंग लेते हैं मंत्री तो उनको विधानसभा के अंदर ब्रीफिंग लेने से ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा में तो नेचर है, लोकसभा के अंदर जब कभी माननीय मंत्री आते हैं तो बड़ी लंबी ब्रीफिंग पढ़ते हैं और लंबा करते हैं, और राज्यों में अभी ये प्रक्रिया परंपराएं कम है। अगर राज्य के अंदर भी कुछ लोकसभा के अंदर जिस तरीके से प्रश्न के समय एक लंबी, क्योंकि तोमर साहब यहाँ अध्यक्ष हैं तो समय समय पर माननीय मंत्रीगण को विधायकों को भी लगातार चर्चा करते रहेंगे, उतना ही मंत्री भी उस डिपार्टमेंट को समझेगा और विधायक भी जो प्रश्न पूछने वाला है वो डिपार्टमेंट की पूरा एक प्रश्न के अंदर अगर वो पुराने प्रश्नों के सारे जवाबों का अध्ययन करने के बाद अगर प्रश्न लगाता है और उसके प्रश्न का उत्तर पूछता है तो निश्चित रूप से सदन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी पारदर्शिता आएगी और सरकार भी पूरी तैयारी के साथ माननीय विधायक जी को जवाब देगी। और इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो चिंता है हर कानून बनाते समय कानून पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि जैसे कोर्ट में एक आता ना, एक वकील एक पक्ष का, एक पक्ष का, तो उसको विपक्ष में बोलना ही बोलना है क्योंकि वह तो उस पक्ष का वकील है, पक्ष में बोलने वाले पक्ष में बोलना ही बोलना है। मेरा मानना है कि प्रतिपक्ष को भी कानून सही है तो सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, कानून में कमी है तो डिबेट करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, तर्क के साथ करना चाहिए। हमारा काम सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का एक है कि जो सरकार नीतियां बना रही है उसकी नीतियां की जितनी सकारात्मक रूप से आलोचना करेंगे सरकार उतनी पारदर्शिता से काम करेगी। कानून बनाते समय अगर हम
तर्कों के साथ चर्चा करेंगे तो कानून बेहतर बनेगा, उससे राज्य का कल्याण बेहतर होगा। तो कानून बनाते समय हमारी चर्चा गंभीर होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हर कानून बना